देश के युवाओं के लिए अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 4 साल की अवधि के लिए सेना में भर्ती होने का मौका दिया जा रहा है। कल से इस योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसमें 17.5 साल से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवा लड़के और लड़कियां पात्रता ले सकते हैं। अग्निवीर बनने के लिए 10वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र आवेदन कर सकेंगे। सेना में अभी औसत उम्र 32 साल है, जो अगले 6 से 7 साल में घटकर 24 से 26 साल के बीच आ जाएगी। इस योजना को रक्षा बलों के खर्च को कम करने की दिशा में सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा भी माना जा रहा है। 4 साल के सेवा काल के बाद 75% जवानों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट खास करके कोविड की महामारी की वजह से नहीं हो रही थी, तो ये तकरीबन 2 साल से सभी जो स्टेक होल्डर हैं, आर्मी, MOD, गवर्नमेंट, हम सब एक साथ मिलकर एक सोच विचार करने के बाद ये देश के हित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखते हुए, सबसे महत्वपूर्ण रखते हुए, सुप्रीम रखते हुए हमने ये स्कीम को फाइनल जिस प्रकार से अंजाम दिया है वो आप सब लोगों को मालूम है। अग्निपथ स्कीम मेरे हिसाब से तो ये पूरे जो भारत देश के अंदर यूथ है, ऑल जेंडर्स, पूरे देश के अंदर से सभी युवाओं के लिए ये एक बहुत ही उनका जो एस्पिरेशंस है वो मीट करेगा और अपने इंटरेस्ट के अनुसार शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिलिट्री सर्विस करने का जो चांस है वो इन्हें मिलेगा। एंड वो अपने आप को 4 साल के बाद जो है बड़े गर्व के साथ ये कह सकता है कि मैं भी एक अग्निवीर था। इस योजना के अनाउंसमेंट के बाद जो है अब की बात जो है आगे से पूरे आर्मी के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट है वो अभी सिर्फ ये अग्निपथ स्कीम के जरिए होगा और देश के सभी लड़के और कुछ क्षेत्रों में ये लड़कियों के लिए भी खुला है, वो भी एलिजिबल है। 17.5 ईयर्स से लेके 21 ईयर्स तक जो एज लिमिट है एलिजिबिलिटी रखी है। और जहाँ तक रिक्रूटमेंट का सवाल है, जो पहले रिक्रूटमेंट में जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स थे उनमें कोई कमी नहीं होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे आप लोगों को शायद फ्लायर मिला होगा, 10वीं और 12वीं क्लास पास के बाद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इस रिक्रूटमेंट को अंजाम देने के लिए देश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेरिट सिस्टम बनेगा जिसके बेस पर यह सिलेक्शन होगा और सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे। कुछ ट्रेनिंग अभी चल रहा है कि 6 महीने का होगा या 6 या 7 महीने का ट्रेनिंग के बाद वो यूनिट में जो है अपने भर्ती जाएंगे और 4 साल के बाद जो है 25% ये सारे के सारे जो है उनको जो है अग्निवीर कह के चले जाएंगे और 25% उनमें से वो दोबारा परमानेंट जो रेगुलर कार्डर है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनकी जो है दोबारा सिलेक्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।